नेशनल हाईवे 44 का सफर भी वाहन चालकों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। घरौंडा में राधा स्वामी सत्संग भवन के नजदीक एक वैगनार कार में सवार हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी दो बाइकों पर सवार बदमाश ने गोली चला दी, जिससे वैगनार कार चालक बाल बाल बचा। हालांकि गोली का छर्रा मुंह पर जरूर लगा है, जिससे उसके गाल पर थोड़ा सा जख्म हो गया है। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी नाम बताएं अपना। विशाल नाम है। अब विशाल जी बताएं क्या मामला हुआ है। मैं सराना से चला था जी, एजेंसी से एजेंसी है मेरी मोबाइल से, तो वहाँ से चला। जैसे एक गाड़ी वाला मेरे को ऐसा लगा टोल टैक्स पर, बहुत तेज मिल रहा था गाड़ी, तो पहले तो मोटरसाइकिल पर था, एक स्पोर्ट बाइक थी और एक स्प्लेंडर थी, दो थी जी। जी आगे तो टोल टैक्स पर ज़्यादा तेज रिक गया, फिर थोड़ी आगे जाएगा, फिर उसने रोक ली गाड़ी, आराम तक करी बार 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 बार, मतलब आगे पीछे हो रही थी गाड़ी। वे कौन सी गाड़ी में थे? दो मोटरसाइकिल थी जी, वो दो मोटरसाइकिल तो बाइक थी, एक स्प्लेंडर थी, तो दो बंदे थे दोनों मोटरसाइकिल। अच्छा। पानीपत टोल टैक्स के पास भी वो जैसे मोटरसाइकिल तो लेफ्ट साइड से निकला सारी की सारी, पर वो निकले तीसरी चौथी लाइन से निकले बीच में से, बहुत तेज गाड़ी बेल कर। मैंने डाउट हो गया एकदम, यार ये बंदे ठीक नहीं। पानीपत फिर मैंने टोल क्रॉस कर दो, ये गाड़ी रोक ली, मैंने विकास तक है, यार मैंने नू लग रहा है अपनी गड्डी जीप अपनी स्लो हुआ जी, भी स्लो कर ले, हम तेज बेला जी भी तेज करे, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पंगा। तो मैंने टोल टैक्स पर 5 मिनट गाड़ी रोक ली, 5 मिनट गाड़ी रोकने के बाद चलिया मैं, फिर देखा आगे ही खड़े में निक्की को भाई खड़े थे, तो वाके में एक गाड़ी तो खड़ी, मगर भाई दूसरी भी खड़ी, परली साइड खड़ी दूसरी गाड़ी, दोनों ही हैं। तो फिर वही आगे पीछे ऐसे होंगे रही, इन्हें देखा घरौंडा तो सीधा जाना था मन, तो कूड़ के उपर मैंने भी कहा था मामा का ले आऊंगा, ये तो भाई बंदे दिक्कत करें कुछ ना, तो मैंने नीचे ने ली एकदम कट मार के, उसने ऊपर था मोटरसाइकिल ले ली कूड़ के ऊपर था, एकदम मारी गोली बस, गोली चलाई है। हाँ गोली चलाई जी, फायर करा, एक ही फायर करा, एक ही फायर करा जी। तो कहाँ लगे फायर? वो फायर शीशे में लगे जी, और शीशे से लगे। तो फरार हो गए फिर वहाँ से? वो फरार पहले तो खड़े होकर देखे उन्होंने गोली लगी कि नहीं लगी बंदे का, खड़े होकर देखते रहे, फिर वे ट्रक के साइड में रहे हमें गाड़ी आराम तो ट्रक के साइड में रखी जी, उन्हें थोड़ी सी आगे जाकर फिर पेल ली जी। तो वो किधर निकल के फिर एक और फायर करने के उसमें तो थे, एक फायर करेंगे, पर मैं ट्रक के साइड रखी। तो किसी साथ रंजिश वगैरह कुछ या कोई ऐसी कोई रंजिश तो कोई नहीं है जी मेरे किसी के लोग। अच्छा तो कोई कैश वगैरह था गाड़ी में किस तरह के? आज तो कोई कैश नहीं था, वैसे कैश लिया हूँ जी मैं एजेंसी का। तो पहली बार हुआ? पहले भी कभी इस तरह की? पहली बार ही हुआ जी ऐसा कुछ। अभी इन्फॉर्मेशन आई थी विकास, ये लड़का है जो इसराना से आ रहे थे, घरौंडा फायर की अनोन बाइक पे थे लड़के, उन्होंने फायर कर दिया इनकी गाड़ी पे। तो कुछ चोट वगैरह किसको लगी है? गोली वगैरह? हाँ चोट है छर्रे का, उस पे हल्का उसको ब्लड आ रहा है लड़के को। तो क्या शिकायत वगैरह? शिकायत अभी ले रहे हैं इनकी, पहले इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, शिकायत लेके उस हिसाब से कार्रवाई करें।